नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से खबर है जहां प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आने के बाद से अपने लोक संकल्प पत्र के एक एक वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में संगठन को भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ नेता व कार्यकर्ता लग जाएं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर शनिवार को श्रम प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। भारतीय जनता पार्टी के बागेश्वर नगर स्थित जिला कार्यालय पर श्रम प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ओमकारनाथ तिवारी की अध्यक्षता में श्रमिकों की एक आम जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं से भली भांति अवगत कराया गया। क्या कुछ कहा ओमकारनाथ तिवारी जिला संयोजक ने, सुनिए। मैं ओमकारनाथ तिवारी, जिला संयोजक श्रम प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। आज कार्यालय पर किस तरह कार्यक्रम आयोजन किया गया? कार्यालय पर कार्यक्रम यह श्रम प्रकोष्ठ का जिले का आयोजित किया गया है और इसमें जो है श्रमिकों के संबंध में सारी भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं उनको लाभान्वित करने के लिए और उनसे संपर्क कर प्रत्येक समाज के अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ मिल सके, ये प्रयास करने के क्रम में यह आम सभा है या बैठक है। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है कि समाज का कोई भी गरीब से गरीब तबका जो है मेरे भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा दी गई श्रम से संबंधित सारी सुविधाएं जो है श्रम कार्ड उसका लगे, जिनको मकान अब तक नहीं मिल पाया है उनको मकान मिले, जिन शहरों में या देहातों में या बस्तियों में जो वृद्धावस्था पेंशन है और विधवा पेंशन है जिनको नहीं मिल पा रही है उनको दिया जाए, जो नल है जो आपके गरीब तबके के श्रमिकों को मतलब ये धंधा करने के लिए खोमची गुमटी और ये ठेला इनको लाभान्वित करने के लिए और तमाम तरह के लघु उद्योग कुटीर उद्योग जो हैं उसमें मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, खादी ग्रामोद्योग है, इस तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उनको जानकारी दी जाए और उनको समस्त लाभ जो है मुहैया कराया जाए। हाँ, हम इसका प्रयास करें, समाज का कोई आदमी जो है बेरोजगार न रहे।